नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं का रिजल्ट कल आ गया है। भागलपुर की स्मिता राय ने गणित की परीक्षा में 100 में 100 अंक लाए। स्मिता एक गरीब परिवार से आती है। उसके पिता का देहांत कोरोना काल में हो गया। उसने आपदा को अवसर में बदला और गणित की परीक्षा में 100 में 100 अंक लाया है। स्मिता अपने घर पर बच्चों को पढ़ाती थी क्योंकि उसके पिता नहीं थे। उसके बाद आसपास के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वह अपने मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में जुटी रही और आज स्मिता ने 100 में 100 अंक लाया है और उसके सपने ऊंचे हैं। उसने IAS बनने की ठानी है। देखिए परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद स्मिता और परीक्षा फल के रिजल्ट आने के बाद स्मिता की माँ बबीता राय क्या बोल रही है। कितना नंबर आया? 471। टोटल में कितने हैं? साइंस में 90, हिंदी में 92 और सोशल साइंस में 96 और मैथ्स में 100 और संस्कृत का भी नहीं पता है। मैथ्स में 100 में? हाँ, 100 में 100। कैसे पढ़ाई की थी, कैसे मेहनत की? सारे टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट था। सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था, पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था और अपना भी मेहनत था कुछ। फ्रेंड्स लोग सभी ने सपोर्ट किया था। ये मेरे को मैथ्स हार्ड नहीं लगता था क्योंकि मैथ्स हमको भी हार्ड लगता था। 8th स्टैंडर्ड से पहले हमको भी मैथ्स हार्ड लगता था, लेकिन जब हम कोचिंग गए अपने अंकुर सर, वो जब से हम लोग को पढ़ाना स्टार्ट किए थे, उसके बाद से मैथ्स मेरा पूरा फेवरेट बन गया। बिहार से ही गणित की शुरुआत हुई थी, इसीलिए बिहारी कभी भी गणित में फेल नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। कैसे पढ़ाते थे इसको, कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो ये बहुत करती थी। आप लोग इसके पीछे कितनी मेहनत? हम लोग वही करते थे, मतलब हर सब्जेक्ट में जो जैसे जैसे पढ़ के आती थी ना, तो सब चीज यहाँ शेयर करती थी, बताती थी, घर पे बात करते थे। हाँ, काफी खुशी मिली। बहुत। बेटी IAS ऑफिसर बनना चाहिए, बनाएंगे? जी बिल्कुल। कैसे घर चलाते हैं? अभी तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं। हाँ, हम पढ़ाते हैं, मेरी बेटी पढ़ाती है, बड़ी वाली। गणित के परीक्षा परिणाम से स्मिता काफी उत्साहित दिख रही है। स्मिता का कहना है कि वह बड़ा होकर IAS बनकर देश की सेवा करना चाहती है। मजबूरी बस इतना है कि उसके पिता नहीं है। उसके हौसले को उड़ान देने के लिए जरूरत है कि जिला प्रशासन और सरकार उस पर उचित ध्यान दे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सौरभ के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज, भागलपुर।